प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बैंक स्टेटस को लेकर एक अच्छी खबर है किसानों के लिए। अगर आप इस योजना की अगली 14वीं किस्त लेना चाहते हैं तो आपका बैंक स्टेटस पीएम किसान योजना में एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। और अभी आप देख सकते हैं 19/6/2023 यानी कल के दिन ये स्टेटस अपडेट हुआ है। आप भी अपना स्टेटस चेक कीजिएगा और पीएम किसान की अगली किस्त का पता लगाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन किसान का है वो 16/6/2023 को पीएम किसान का ये इनका डॉक्यूमेंट भेजा गया था। उसके बाद 17/6/2023 को इनके दस्तावेज 16 को तैयार हुए थे, 17 को भेजे गए थे और इनका एक्सेप्ट हो गया 19/6/2023 को। यानी आप देख सकते हैं कल के दिन एक्सेप्ट हुआ है और इसका मतलब है कि पीएफ मस जब भी किसानों के बैंक की संबंधित जांच करता है उस समय बहुत सारे किसानों की डाटा अपडेट होती है और उस समय जिनका एक्सेप्ट होना होता है एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट होना होता है रिजेक्ट हो जाता है, जिनका पहले एक्सेप्ट था उनका भी रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि किसान के बैंक के संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाए तब रिजेक्ट हो जाता है, अगर सब कुछ सही रहता तो एक्सेप्ट हो जाता है, अगर या फिर जिनका कोई नया होता है उनका पेंडिंग में रहता है। तो इस स्थिति में अभी आप देख सकते कल के दिन अपडेट हुआ है तो हो सकता है कि आपका भी स्टेटस है वो अपडेट हुआ हो, आप भी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जब डाटा अपडेट होती है तो वहाँ पर बहुत सारे किसानों की डाटा अपडेट होती है, एक किसान का अपडेट नहीं होता है। तो हमें एक किसान का स्टेटस अभी देखने को मिल रहा है कि 19/6/2023 को अपडेट हुआ है पीएम किसान योजना का ये पीएफएमएस बैंक स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से चेक करना है वो भी आपको बताऊँगा। अगली किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है तो अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, मात्र 2 मिनट का समय निकाल कर। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको है या तो गूगल में जाकर सर्च करना है पीएफएमएस बैंक स्टेटस अपडेट पीएम किसान योजना माँ ही इनको नाम आपको डाल देना है, या फिर ये सर्च नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर एक बार क्लिक कर दीजिए डायरेक्ट इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा माँ ही इन्फो डॉट इन, इस तरह का एक छोटा सा लोगो दिखाई देगा, माँ ही इन्फो डॉट इन नाम देख लीजिएगा और नीचे लिखाएगा पीएफएमएस बैंक स्टेटस न्यू अपडेट पीएम किसान योजना किसानों के लिए बैंक स्टेटस में अपडेट, इस तरह से कुछ लिखाएगा। तो अब यहाँ पर आपको इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और किसी पर नहीं करना है, ये ओपन होगा इसी पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और मैं आपको पहले बता देता हूँ पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको पीएम किसान के पोर्टल पर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आप अगर ट्राई करोगे तो पीएम किसान के पोर्टल पर आपको लिंक नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक स्टेटस भी चेक कर लेना है कि आपका अगर बैंक खाता कौन से बैंक में आधार लिंक है यह भी पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट नीचे आकर अपना पीएफएमएस बैंक चेक कर लीजिए, अगर पता नहीं है तो पहले आपको आधार बैंक स्टेटस चेक कर लेना है। जिस तरह से आपको स्टेटस ओपन होगा यहाँ पर देख सकते हैं आधार बैंक स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर हमने लिंक दिया है, इसी लिंक पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आधार नंबर डालकर चेक कर लेना। आपका सबसे पहले 4 डिजिट आधार नंबर का दिखाई देगा, एक्टिव इनएक्टिव दिखाई देगा, कब लिंक हुआ था कौन से बैंक में लिंक है ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप आधार बैंक स्टेटस अगर चेक कर लेते हैं तो नीचे आपको मैन जो ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और पीएम किसान योजना का जो पीएफएमएस बैंक का स्टेटस है वो अभी आपका अपडेट हुआ है तो एक्सेप्ट है रिजेक्ट है पेंडिंग है ये पता ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सेप्ट होगा तो पैसा मिलेगा, पेंडिंग होगा तो इंतज़ार करना होगा, अगर रिजेक्ट हो चुका है तो पैसा नहीं मिलेगा। ये है पीएम किसान योजना का नया स्टेटस जिसमें आपको पता चलेगा एक्सेप्ट है रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है। एक्सेप्ट है तो पैसा मिलेगा, अगर पेंडिंग है तो वेट करना होगा, अगर रिजेक्ट है तो पैसा नहीं मिलेगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेटस में अपडेट आया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं पीएफएमएस स्टेटस माँ ही इन्फो, ये लिंक आपको सिर्फ माँ ही इन्फो की वेबसाइट में मिलेगा, बाकी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद।